नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा अपने आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी सदाराम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह, सशस्त्र बल के जवानों के साथ की बातचीत। लद्दाख दौरे पर राजनाथ सिंह, सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है क्योंकि पीएम ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति को सर्वे करने वाली बात कही। कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप यादव को मिला टिकट। चुनाव से पहले ममता सरकार को झटका, शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 25,000 शिक्षकों की नौकरियां हुई रद्द। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने 75,000 का जुर्माना भी लगाया। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 13 मई को होगा मतदान। अयोध्या पहुंचे पूर्व विदेश सचिव, G20 और कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव प्रचार के दौरान जय हो गाने पर किया डांस, डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के किरावली में सीएम योगी की जनसभा, कहा देश में एम्स IIT और हो रहा निर्माण, पाकिस्तान में आज भूख से लोग परेशान। बिहार से केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्षी दलों को बड़ा झटका, कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह ने ली बीजेपी की सदस्यता। निषाद पार्टी के चीफ और यूपी के मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हमला, हुए जख्मी। गुजरात में बीजेपी की पहली जीत, सूरत में पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित। बिजनौर में सड़क किनारे कार को मिली लाश, कार में मिली लाश, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। हरदोई सड़क हादसे में नर्स की मौत, नर्स के पति ने फांसी लगाकर दे दी जान। हरदोई में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, 7 अंतर जनपदीय आरोपी गिरफ्तार। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, 6 दिन के भीतर 12.48 लाख पंजीकरण। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, बुलेरो ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत। साइबर ठगी के मामले में धनबाद के महुदा पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस, 2 लड़कों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। अभिनेत्री राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में सामने आया नया अपडेट, आरोपियों ने फायरिंग करके नदी में फेंक दी थी बंदूक। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में सामने आया नया अपडेट, आरोपियों ने फायरिंग करके नदी के बाहर फेंक दी थी बंदूक। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।